Our only weapon could be extending the lockdown. Exactly, there is no weapon. To the best of my knowledge, to the best of my experience, I think हमारे पास कोई चारा नहीं है. लॉकडाउन को कंटिन्यू करना चाहिए. 15 अप्रैल के बाद में भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि लॉकडाउन को 15 तारीख के बाद भी एक्सटेंड करना चाहिए. इसमें कोई झिझकने की जरूरत नहीं है. इसलिए कोई शंका भी नहीं रखना चाहिए. हमारा इकोनॉमिक्स खराब होता है तो रिकवर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं. 6 साल महीने लगेंगे, हम सैक्रिफाइस भी करेंगे, कुछ एक अच्छे काम कर सकते हैं. डीएसपी भैंसा नरसिंह राव ने मीडिया से बातचीत करते हुए अवाम को ये पैगाम दिया कि 7 अप्रैल से भैंसा शहर में किराना दुकानें बंद रहेंगी. दीगर अशिया जरूरिया की खरीदी का वक्त सुबह 7 से 10 बजे तक ही दिया जाएगा. इसके बाद कोई दुकानें खुली नहीं रहेंगी. डीएसपी नरसिंह राव ने मजीद कहा कि मोटरसाइकिल का इस्तेमाल भी न करें वरना जब्त कर ली जाएगी. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पर सख्ती बरतने की वजह यह है कि भैंसा शहर से एक फर्द को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, इसलिए एहतियाती इकदाम उठाए जा रहे हैं. अवाम की सहूलत के लिए तरकारी मार्केट भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत जल्द कायम किए जाएंगे. भैंसा से जय साईनाथ की रिपोर्ट. रेड जोन में आता सिर्फ वो जहाँ पे आदमी को पॉजिटिव आया वो एक ही एरिया नहीं, पूरा टाउन का एरिया रेड जोन में आता, क्योंकि एक 500 मीटर रेडियस बोले तो पूरा तकरीबन आधा भैंसा कवर हो जाता, उसी से पूरा एरिया लॉकडाउन कर देते. टाउन व्यक्ति की पॉजिटिव वी दीन वाल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन प्रकार एसओपी फॉलो मे भैंसा एरिया मे लॉकडाउन रेपी किराना शॉप्स ओपन उड़ा ओनली वेजिटेबल शॉप्स फ्रूट शॉप्स मेडिकल शॉप्स इंका पाल इवे ओपन उठाई अभी 7 o'clock नीचे 10 o'clock वर के ओपन उठाई एवर इवे कुछ वेहिकल्स टू वीलर्स टू वीलर्स वेहिकल्स सीज़ ओनली नड़को रहा कुछ एवर बैठ तिगड़ चयड़ू अनवसर टू वीलर्स मीद तिगड़ू चयड़ एवरना हास्पिटल पोदना मेडिकल शॉप पोदना वालू टू वीलर मीद रव टू वीलर इंटी खाली नड़कन रे సాధ్యమైనంతవరకు మేము ఈ వెజిటబుల్ షాప్స్ ని కూడా ఏరియాలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఎక్కడ ఈ షాప్లు అక్కడ పెట్టించడానికి మేము రేపటి నుంచి ట్రై చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఎవరు కూడా టూ వీలర్స్ మీద బయట తిరగదు. ఏరియా అంతా ఎక్కడదక్కడ లాక్డౌన్లో ఉంటుంది. ఎవరైనా బయటకు వస్తే మాత్రము వేరే రీజన్ ఏముండదు. నేను ఒక మెడికల్ షాప్ పోయేది ఉంది అది ఉంది ఏది ఇనము వాళ్ళ వెహికల్ సీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి టూ వీలర్స్ మీద రావద్దు. చిన్నపిల్లలను బయట రోడ్ల మీద ఆడుకొని ఇవ్వద్దు. ఎవరైనా ఆ విధంగా అలౌ చేస్తే కనుక వాళ్ళ పేరెంట్స్ని కూడా మేము పిలిపించి కేసు బుక్ చేస్తున్నాం.